यहाँ से रास्ता गोवा का। गोवा बीच नारियल भाई यहाँ पे भी वही रेट है जो दिल्ली में भी है ना। दिल्ली से बल्कि दिल्ली में तो 30-40 रुपए का मिल जाएगा नारियल आपको, यहाँ पे 50 से कम देंगे नहीं। है पता नहीं क्यों यार, ये आम का पेड़ भी बहुत है यहाँ पे, काफ़ी आम के पेड़ है। ये एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ पूरा। तो यहाँ पे आम भी बहुत होते हैं भाई, और जैक फ्रूट यानी कि कटहल के पेड़ वो भी बहुत होते हैं। अभी खुल गए यहाँ पे बिस्किट चाय, ये सारे भाई लोगों के घर हुआ करते थे, अब होटल में इनको वो कर दिया चेंज। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ पे ना एक ही वे है, मतलब हर जगह चाहे वो मेन रोड हो चाहे वो छोटी सी रोड हो, वहाँ पे सिंगल वे मिलेगा आपको, उसी में गाड़ी आएगी उसी में जाएगी। तो काफ़ी रिस्की होता है गाड़ी चलाना। और कोकोनट में आप नारियल तोड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई ना कोई पेड़ ना सबका अलग अलग है, मतलब प्राइवेट है सबका, तो इस वजह से। बाकी तो नारियल के पेड़ ऐसे हैं, देखो ऊपर नारियल भी लगे हुए, यहाँ भी लगे नारियल। कहाँ गया गोवा बीच, आई थिंक इधर से रास्ता होगा। मुर्गियाँ ये रास्ता नहीं है यार, गलत आ गया। तो वही कुछ इस तरह के घर हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे घर है। तो कुछ इस तरह की मार्केट है यहाँ पे, सिटी वाटर लेक जाने के लिए, स्वीट वाटर लेक। तो कहीं यहाँ पे हट्स बना रखे हैं और पूरा गोवन स्टाइल है भाई। दारू तो आपको हर जगह मिल जाएगी यहाँ पे, फॉरनर्स रहते हैं ना, अब एक महीने और रहेंगे फॉरनर्स, उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से। तो ये रास्ता सीधा हमें लेके जाएगा स्वीट वाटर लेक, और यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे स्वीट वाटर लेक है, और ये चारों तरफ दुकानें कपड़ों की और हैंडीक्राफ्ट की। और मैं भी स्वीट वाटर लेक पहली बार जा रहा हूँ, और देखते हैं कैसे है वहाँ पे और किस तरह का वहाँ पे सीन है, किस तरह का व्यू है, किस तरह का क्राउड है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। पूरा मार्केट है कुछ इस तरह का, काफ़ी शानदार मार्केट है कपड़े इसी के, गोवा स्टाइल के। हालांकि मैं नहीं लेता ये कपड़े ऐसे, मैं दिल्ली से ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में इससे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और इससे बेटर कपड़े मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी यहाँ पे खाने पीने के भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जगह जगह यहाँ पे रेस्टोरेंट बार और मतलब खाने के रेस्टोरेंट है काफ़ी सारे, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये कुछ ही देर में हम स्वीट वाटर लेक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं स्वीट वाटर लेक, जो कि आरामबोल बीच से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे पैदल है, ठीक है। और ये है कुछ इस तरह का सीन स्वीट वाटर लेक का, और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, कोकोनट ट्री है, और सामने जो सामने झील देख रहे हो ना वही है स्वीट वाटर लेक, मीठी झील। तो यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, और सामने जो देख रहे हो ना मेरे, ये पूरा आरामबोल बीच का स्वीट वाटर लेक के सामने का व्यू है, जहाँ पे बैठने का भी इंतजाम है। वहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं वो बैठने के, और यहाँ भी अगर बैठना चाहो तो यहाँ भी 100 रुपीज़ चार्ज लेते हैं बैठने के खाली सिर्फ। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री, यानी कि हमारे यहाँ दिल्ली में 35 जून जुलाई में जो मौसम होता है वो यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। तो भाई मैं तो गर्म कपड़े लेके आया था, वो गर्म कपड़े यहाँ पर काम नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। और जो भाई ऊपर देखो कोकोनट के पेड़,
कोकोनट लगे पड़े हैं और शानदार, मतलब फोटो शूट करने के लिए एक नंबर जगह है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और भाई जो ये अंग्रेज लोग होते हैं ना, ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं समुद्र में तैरने के लिए। वो कितनी दूर तक गए अंदर तक, ये इनको भगा रहा है यहाँ पे ये जो बंदा है ना, क्या बोलते हैं उसको, कोस्ट गार्ड जो भी है, मतलब लाइफ जो लाइफ गार्ड है जो भी। ये देखो कितनी दूर तक गए अंग्रेज भाई, समुद्र के बिल्कुल टॉप पे है वो, ये जो अंग्रेज गए। हमारे बस की नहीं आए, हम लोग तो देखो ये सब इंडियन लोग हैं, ये सिर्फ साइड साइड में खड़े हैं। जहाँ जहाँ तक देखो ना, वहाँ तक मेरे को पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये है इंडियन ओशन भाई, इसकी कोई सीमा नहीं है मतलब। और ये अंग्रेज बेचारे बेचारे क्या ये बीच में नहाते हैं, इनको तो एक्सपीरियंस है नहाने का, ठीक है। पर जो इंडियन है ना, वो बेचारे साइड साइड में ही बैठ के नहा लेते हैं, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता तैरना, क्योंकि समुद्र है भाई, इसके साथ खेल नहीं हो सकता ना। जहाँ देखो दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र है भाई, जहाँ देखो ये स्वीट वाटर लेक ये बैठने के लिए, और पीछे ये मार्केट है, उसके बाद आरामबोल बीच, फिर ये जो सिप्पी मिलती है ना, सिप्पी जिससे वो अपना डेकोरेशन का सामान बनता है, ये वही है। ये एक्चुअली में कीड़े होते हैं, कीड़े। भाई नहा चुका हूँ मैं, ठीक है। और भाई गिन पानी है बहुत ज़्यादा यार, ऐसा लग रहा है जैसे नमक पी रहा हूँ मैं, है ना। इस तरह से वो शंख नहीं है यहाँ पे, जगह जगह बोतल है यार, ये आते ना बाहर से अंग्रेज अंग्रेज दारू पीने वाले, तो भाई इस तरह का सीन है यहाँ पे। अब चलते हैं बीच की तरफ, देखो। और ये पत्थर भी अच्छे अजीब अजीब से पत्थर है, देखो कैसे पत्थर है ये, जगह जगह बोतल। यहाँ पे नहाओ ना भाई, तो तैरना आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखो लहर आती है ना, लहर अपने साथ अंदर खींच के ले आती है। यहाँ से चढ़ना ऊपर, यहाँ से अरे कहाँ ये रास्ता, अच्छा आगे से है, तो भाई इस तरह का रास्ता है देखो। क्योंकि यार मेरे को समुद्र में मतलब बीच में नहाने में शर्म आती है यार, इसलिए मैं इधर आके नहाया। सही है, यहाँ पे कोई नहीं है, नहा सकता कोई भी। और देखो भाई पानी ही पानी। तो मैं नहा के आ गया नीचे, और अब चलते हैं आगे थोड़ा मार्केट में, देखता हूँ मार्केट में कुछ खरीदने के लिए मिलेगा। कोकोनट वाला है, ये लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही है भाई। सारे अंग्रेजी अंग्रेज देख रहे हैं आपको हर जगह।
हाय, वेयर फ्रॉम? विच? इजराइल? इजराइल? किसी को भी ड्रेड लॉक कराना है ना ऐसे, तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा ड्रेड लॉक।